नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। पटना एम्स में कई पदों पर वैकेंसियां आई हैं। 280 पद पर पटना एम्स में वैकेंसी आई हैं, जिसमें कि 200 पद पर सिर्फ नर्सिंग अफसर की वैकेंसी है। और भी कई सारी ऐसे पोस्ट हैं जो खाली हैं, जिसके लिए पटना एम्स ने वैकेंसी लाई है। 2 नवंबर से इसकी आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। 30 दिन तक अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएंगी। तो आइए हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि कौन कौन से पद पर पटना एम्स में वैकेंसी आई है, आवेदन करने की क्या कुछ शुल्क है और क्या कुछ आपकी योग्यता होनी चाहिए उन पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि पटना एम्स में निकली गई भर्ती में सबसे अधिक 200 पद पर नर्सिंग अफसर की वैकेंसी है। इसके अलावा 10 पद पर स्टोर कीपर, 1 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 4 पद जूनियर इंजीनियर, 1 पद लीगल असिस्टेंट, 3 पद मेडिको सोशल वर्कर, 8 पद सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2, 16 पद स्टेनोग्राफर, 16 पद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 25 पद स्टोर कीपर कम क्लर्क और 6 पद जूनियर वार्डन के शामिल हैं। इसके अलावा एम्स ने नॉन फैकल्टी वर्क पर भर्ती को लेकर तैयारी की है, जिसमें कि स्टोर कीपर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मेडिकल सोशल वर्कर, जूनियर वार्डन सहित कुल 280 पद शामिल। इसके अलावा आपको बताएं कि आवेदन करने की जो शुल्क है वो 1200 से 1500 रुपये रखी गई है। और अगर हम OBC के श्रेणी में आने वाले कैंडिडेट की बात कर लें तो उनके लिए 1500 रुपये शुल्क रखा गया है। वहीं SC ST महिला और EWS श्रेणी के कैंडिडेट को 1200 रुपये शुल्क रखा गया है आवेदन करने का। अगर हम दिव्यांगों की बात कर लें तो दिव्यांगों के लिए निःशुल्क है ये आवेदन, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं और अगर आपकी योग्यता वैसी होंगी तो आपकी भर्ती भी कर ली जाएंगी। साथ साथ अब हम योग्यता पे आते हैं कि इन सब पदों की योग्यता क्या कुछ होंगी पटना एम्स में भर्ती के लिए। तो स्टोर कीपर पद के लिए आवेदन के पास इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर पद के लिए आवेदक के पास सिविल मैकेनिक इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कम से कम होना चाहिए। लीगल असिस्टेंट पद के लिए ग्रेजुएट होने के साथ लीगल प्रैक्टिशनर के असिस्टेंट के रूप में 3 साल तक काम करने का अनुभव होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए BSc नर्सिंग होना आवश्यक है। मेडिको सोशल वर्कर के पद पर आवेदन के लिए मेडिकल सोशल वर्क में स्पेशलाइजेशन के साथ MA MSW कोर्स करना आवश्यक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होने के साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर के कोर्स का प्रमाण होना चाहिए। स्टेनोग्राफर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पदों पर आवेदन करने वाले के पास 12वीं पास होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्टोर कीपर कम क्लर्क पद के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है। जूनियर वार्डन के लिए आवेदन करने वाले के पास 10वीं पास होने का प्रमाण होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पद थे जिसके बारे में हमने आपको बताया है कि कुल 280 पद हैं जो कि पटना एम्स में अभी खाली है, जिसके लिए भर्ती के आवेदन निकाल दिए गए हैं, जिसमें 2 नर्सिंग अफसर के ही पद हैं और बाकी जो पद जिस तरीके से विवरण किए गए थे हमने आपको बताए हैं। उसको क्या कुछ योग्यता होंगी वो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। और शुल्क की अगर बात कर ले तो शुल्क भी हमने आपको बताया कि 1200 से 1500 के बीच में रखा गया है। महिलाओं के लिए 1200 रखा गया है, दिव्यांगों का फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको उसमें शुल्क की जरूरत नहीं है। और आवेदन करने की जो तिथि है वो भी 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। तो जो भी युवक या जो भी लोग इसमें रुचि रखते हैं, जो आगे पटना एम्स में काम करना चाहते हैं और उनकी योग्यता इस प्रकार है, तो आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद भर्ती प्रक्रिया भी इसके बाद शुरू कर दी जाएंगी। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ पीआर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।